सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 वेदो अखिलो धर्म मूलम वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना तथा अपने आचरण में लाना वाचा कर्मणा हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें जैसा हमने अपने बड़ों से सुना है माता पिता से सुना है गुरुओं से सुना है वेद में जो उपदेश दिया गया है सभी ऋषि मुनियों ने जैसा हमको जीने का ढंग बताया है वैसा हमको जीना चाहिए यदि हम अपने जीवन को सुख से संपूर्णता से और पुण्यों से भरना चाहते हैं यदि हम धर्म पूर्वक कर्म करना चाहते हैं ज्ञान पूर्वक विज्ञानपूर्वक आत्म उत्कर्ष चाहते हैं आत्मस्थ होकर स्वस्थ होकर के अपने जीवन और जगत के कल्याण में मस्त हो करके व्यस्त होकर के यदि इस जीवन को जीना चाहते हैं तो उसके लिए परम आवश्यक है कि नित्य प्रति हम थोड़ा स्वाध्याय जरूर करें एक मंत्र का एक श्लोक का एक सूत्र का स्वाध्याय हमको उत्कर्ष क्यों ले जाएगा हमको बहुत विराट विचार वाला बना देगा हमारे अंदर संकीर्ण विचारधारा कभी घर नहीं कर सकती है हम स्वयं भी सुधरेंगे जग को भी सुधारेंगे हम स्वयं भी तरेंगे दूसरों को तारेंगे और यदि हम इससे विपरीत आचरण करते हैं यदि हम वेद के अनुकूल नहीं प्रतिकूल आचरण करते हैं यदि आत्म अनुकूल नहीं आत्म प्रतिकूल आचरण करते हैं यदि हम अपने से बड़ों के बातों का यदि उनकी जो है आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो संदेह यह जीवन हमारा अत्यंत कष्ट में हो जाएगा अत्यंत दुख हमको मिलेंगे हम कभी भी कल्याण को नहीं प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए एक ही उपाय है कि हम जैसा अपने जीवन में जीना चाहते हैं उसके लिए स्वाध्याय आवश्यक है ये आत्मबल भी देता है मनोबल देता है हमारी बुद्धि बल बढ़ाता है और हम सब प्रकार से प्रबल हो जाते हैं बहुत सुंदर चर्चा चल रही है हम ऋग्वेद के आठवें मंडल के सूक्तों का स्वाध्याय कर रहे हैं और आज हम अट्ठाईसवें सूक्त का स्वाध्याय करेंगे अर्थात आठवें मंडल के 28वें सूक्त के आ, प्रथम मंत्र में जो बहुत सुंदर बात यहाँ पर कही है कि सब दिव्य गुणों का हम धारण करें और सारी दैवी शक्तियाँ हमारे अंदर आएं हम दैवी शक्तियों से ओत प्रोत हो जाए देवत्व के गुणों से युक्त तो हो जाए क्योंकि देवत्व का त्पर यही है कि जो कुछ भी उस विधाता ने माता पिता ने गुरुओं ने इस समष्टि ने जो कुछ भी हमको दिया है उसको हम दूसरों को भी देने वाले बने हम सच्चे अर्थों में देवता बन जाए देव देवता बने देव अकस्मात देवतनाथ दानात तो ये जो है न, हम दिव्यता से भव्यता से दान देने वाले बने कुछ देने वाले बने हम लेवता ना बने केवल लेने का ही हमारा स्वभाव ना हो जाए जो देते हैं सदा मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव, देवो भव, देवो, भव देवो भव सब कोई देने का ही स्वभाव है सबका तो ये इसलिए इनको देवता कहते हैं माता पिता गुरु आचार्य अतिथि ये राष्ट्र ये देश हमको सब कुछ देता है तो हम भी कुछ देना सीखें और देने का भाव हमारे हम कैसे बने कैसे अपना जीवन अच्छा करें कैसा हमारा व्यक्तित्व हो हमारा कृतित्व कैसा होना चाहिए बहुत ही सुंदर वेद मंत्र यदि एक वेद मंत्र को हम अपने जीवन में धारण कर लें इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा देवत्व के गुणों से हम हो देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो जीवन ये सुगंधित दुर्गंध निकल जाए दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए मुरझाई कली दिल की इकान में खिल जाए दाता तेरे सुमिरन का ये जीवन हमारा बहुत सुंदर बने इसके लिए आपको इसमें मन लगाना कुछ लोग बोलते हैं क्या करें स्वाध्याय तो करना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं सुनना चाहते हैं लेकिन मन नहीं लगता है मन तो उल्लू का पट्टा है मन तो अच्छे कामों में बहुत कम लगता है लोगों का मन को लगाना पड़ता है इसलिए मन को भी हमको बदलना है ये मन बड़ा चंचल है चिंतन में नहीं लगता जितना इसे समझाऊ उतना ही मचल जाए दाता तेरे सुमिरन का हे नाथ मेरे मन की बसित नमन्ना है पापों से बचा लेना पापों से बचा लेना पाओ न फिसल जाए दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए तो परमात्मा का ये आदेश है ये संदेश है हमारा जीवन कैसा होना चाहिए बहुत ही छोटा मंत्र है लेकिन बहुत ही महनीय बहुत ही जोरदार जिसको हम ये कहें कि एक बार इसके गुणों को हम धारण करके देखें जीवन हमारा चमक जाएगा मैं प्रथम मंत्र लिखता हूँ फिर चर्चा करूंगा इसकी ओम वरुणो मित्रो वरुणो मित्रो आर्यमा स्मद दातिषाचो स्मद्राशाचो अग्नय पत्नी वसत्कृता पोषक ऋग्वेद के आठवें मंडल के अट्ठाइसवें सूक्त का यह दूसरा मंत्र है वरुणो मित्रो अर्यमा स्मद्रातिशाचो पत्नी वंतो वष्कृता ओ वरुणो मित्रो्यमा स्मद्रातिशाचो पत्नी वंतो वष्कृता बहुत सुंदर वेद मंत्र है कैसे बने हम सब चाहते हैं कि अच्छे बने यदि प्रश्न किया जाए किसी से आप कैसे बने कैसा बनना चाहते हैं तो सब चाहते हैं कि कोई अब ये तो अपने अपने संस्कारों और विचारों के ऊपर निर्भर करता है कोई व्यक्ति बोलेगा मैं बलवान बनना चाहता हूँ मैं बलवान बनूँ मैं बुद्धिमान बनू मैं धनवान बनू मैं कीर्तिमान बनूँ मैं यशस्वी बनूँ सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं अलग बातें हैं लेकिन वेद का यह संदेश क्या है जिसको बुद्धिमंत जो है तो वो बुद्धिमंत वो बलवंत लोग अपने जीवन के दुखों का अंत कर सकें इसके लिए बहुत सुंदर बात कही है कि वरुणा वेदवंत में सबसे पहले कहा वरुणा द्वेष निवारण की देवता और मित्र स्नेह की देवता अरे माँ अरीन यती काम क्रोध लोभ आदि शत्रुओं के नियमन की देवता जो है जो अरिमा स्मद शोभन, ये शाम तान सचनते स्मत सुमित राति ये ये शाम तान सचनते दान वाले यज्ञशील पुरुषों के साथ संबद्ध अग्नयहा गार्हपत्य आहवनीय तथा दक्षिणाग्नि रूप अग्निया ये सब देव पत्नी बंत पत्नियों वाले होते हुए वृता हमारे से आदर दिए गए हैं इनके प्रति हमने अपना अर्पण किया हुआ है अपना समर्पण किया हुआ ये एक एक शक्ति एक एक गुणों के ऊपर जो है आधारित है एक गुण से युक्त जो देवत्व तो है वो हमारे अंदर स्थापित होना चाहिए इसलिए हमने जो अनकंडीशनल सरेंडर किया हुआ है संपूर्ण समर्पण किया हुआ है देवों की शक्तियां ही वास्तव में देव पत्नियां कहलाती हैं देव की जो शक्ति है उसकी देव की पत्नी है तो हमारे जीवन में उनके प्रति भाव हो हम अपना अर्पण करें और इन्हें अपने में धारण करने के लिए यत्नशील हो हम वरुण बने क्योंकि देवो भूतवा यजे देवम देवता बनना है देवता बन के देवत्व की उपासना करनी है अर्थात देवोभूतव यजे देवम हम देवत्व के गुणों से युक्त होकर के जब यजन करते हैं देव बन करके देवताओं का अर्चन करते हैं तो वो सार्थक होता है दैत्य बन करके या स्वार्थी बन करके हम देवताओं की पूजा करेंगे वो उचित नहीं है वो उससे हमारा कल्याण नहीं हो सकता है हम शुद्ध होकर के पवित्र होकर के हम पवित्रतम बनने का प्रयास करें तो हम जो इसमें कहा हमको कैसा बनना है तो प्रथम बात हमको सीखनी है हम वरुण बने और वरुण का तात्पर्य यह है कि हम द्वेष से मुक्त हो जाएं हम आपस में एक दूसरे से द्वेष करते रहते हैं छोटी छोटी बातों में पति पत्नी से पत्नी पति से भाई भाई से मित्र मित्र से गुरु शिष्य से अलग अलग हम आज संबंध जो देखते हैं तो ये बहुत ही कष्टकारी है हम स्वयं समाधान में रहें एक व्रत हमको पालना है कि हमको द्वेष नहीं करना द्वेष के निवारक बने किसी से हमको द्वेष करना ही नहीं है हम निर्द्वेषी बने ऐसा बनना एक भी यदि गुण आ जाए हमारे जीवन में ऐसा तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा दूसरी बात क्या कही मित्र जो स्नेह को धारण करें और हम मित्र बने मित्र से मैत्री से, करुणा से जब हम समष्टि के प्रति मैत्री भाव रखेंगे तो यह भी हमको अच्छा बनाएगी प्रकृति के प्रति मैत्री भाव रखें हम दोहन ना करें स्वार्थी ना बने हम देवतों का भाव रखें मित्रता का भाव रखें परस्परता का भाव रखें नम्रता का भाव रखें कृतज्ञता का भाव रखें मैत्री का भाव हम मैत्री से युक्त हो जाएं, हमारे अंदर मित्रता का भाव जागृत हो जो वरुणा मित्र अरिमा हम स्नेह से युक्त हो स्नेह को धारण करें और अरिमा बनते हुए काम क्रोध लोभ ईर्ष्या को दूर कर दे हम अपने अंदर के ये जो काम वासना की जो अग्नि है ये ये सब कुछ करके भस्म कर देती है ये काम क्रोध लोभ की ईर्ष्या की जो स्थिति है इससे व्यक्ति पाप कमाता है लोभा पापस से कारण तो यहां पर ये सुंदर बात कही है कि अरिमा मेरे अंदर जो है आ, काम क्रोध का लोभ का नियमन करने वाला सामर्थ्य पैदा हो जाए मैं इसको कंट्रोल कर सकूं इसको अप, हस्तगत कर सकूं इसको अपनी मुट्ठी में रख सकूं ये मेरे ऊपर हावी ना होने पाए मैं इसके ऊपर हावी रहूं और हम यजशील बने यजशीलों को धनों को प्रदान करने वाली यज अग्नि है उसका सेवन करें यज्ञ का सेवन करें हम देव पूजा करना। दान से युक्त हो ऐसा वरदान हमको दीजिए हे प्रभु हम सदा शील रहें। हम उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाले हों कल्याणकारी कर्मों वाले हों हमसे दुर्गुण दुर्व्यसन दुर्व्यवहार दूर कर दीजिए उदार मना हो जाए हम हम अनमना ना बने मन मना बने हम आपको अर्पित मन वाले बने तथा सब देव पत्नियों को आदर देने वाले होते हुए इन देवों की शक्तियों को धारण करें जैसा कहा कि देव देव शक्तियां रूप में है तो हम इन शक्तियों का जो है आदर करें इनका सम्मान करें और इनको अपने स्वभाव में उतारने का प्रयास करें तो बहुत सुंदर बात कही कि हम निर्देश हो जाए ईर्षा द्वेष से जेलसी से बचें क्योंकि ये और ये और द्वेष हमको हमको संकुचित कर देती देती है है एक आ, ऐसा बंधन में डाल देती है, हम चाह करके भी उत्तम जीवन नहीं जी पाते हैं हम चाह करके भी उत्साह में नहीं रह पाते हम चाह करके भी दूसरों से घुल मिल करके दूसरों के साथ मैत्रीपूर्ण प्रेमपूर्ण सौहार्दपूर्ण सौहार्द पूर्न, हम जीवन नहीं जी पाते हैं न्यूनता आ जाती है हमारे स्वभाव में हम ईर्षा दृष से बचें और सदा स्नेही बने स्नेह जैसे जो स्नेह करता है वो दीपक जैसा दे दीप्यमान रहता है स्नेह सबको प्रकाश देता है स्नेह से युक्त होकर के सबको अंधकार से बचाता है और शत्रु नियंत्रण अंदर के शत्रुओं से भी बाहर के शत्रुओं से भी हम डट करके मुकाबला करने वाले धीर वीर गंभीर बने ऐसा हमारे अंदर सामर्थ्य हो यजशील बने देव शक्तियों को धारण करने वाले बने इनसे विपरीत आचरण करने वाले ना बने क्योंकि देवता आ, वही है जो स्वयं भी अपनी रक्षा करता है दूसरों की भी रक्षा करता है देवता वही है जो त्याग से युक्त होता है देवता वही है जो सदा उत्साह देने वाला है उत्साह से युक्त सदा रखता है सबको इसलिए आनंद के साथ हम जीवन को जीने वाले बने एक पल का भी हमारे जीवन में कोई कष्ट ना आए और बस अपने इस महिमा को परमात्मा की इस महिमा को सदा आनंद के साथ गाते हुए चले जाए और कितना भी कुछ हो हमको अपने इस जड़ और चेतन के भाव को सदा समझ करके जीना है विवेक पूर्वक जीना है विद्या अविद्या को समझ करके जीना इसलिए बहुत सुंदर बात कही है कि परमात्मा का गुणगान गाते जाओ उसकी शरणागति प्राप्त कर लो उसका जब आप जो है भजन करोगे उसका पूजन करोगे स्तुति प्रार्थना उपासना करोगी तो आनंद के साथ रहोगी गाए जा गाए जा भगवान की महिमा गाए, गाए जा गाए जा गाए जा भगवान की महिमा गाए जा शाम सुबह इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा गाए जा गाए जा भगवान की महिमा गाए जा तरह तरह के खेल है इसमें दुनिया एक तमाशा है कहीं खुशी और कहीं गमी है आशा कहीं निराशा है चाहे यहां तुझे चाहे रुलाए चाहे यहां साए तुझे चाहे, या रुलाए।, चाहे, या हाँ साए तुझे, चाहे या रुलाए बस अपना फर्ज निभाए जा गाए जा गाए जा भगवान की महिमा गाए जा चिंता और चिता इस जग में एक समान कहाती है चिंता और चिता इस जग में एक समान कहाती है एक जिंदा को एक मुर्दे को दोनों सदा जलाती हैं दुख जो दुख जो दिखाए वही दुखड़े मिटाए दुख जो दिखाए वही दुखड़े मिटाए तू चिंता दूर हटाए जा गाए जा गाए जा भगवान की महिमा गाए जा सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। गाए, जा गाए जा गाए जा भगवान की महिमा गाए जा ओम शांति शांति शांति